भिवानी पुलिस ने अलग अलग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये आरोपी चेन स्नैचिंग, लूटपाट आदि अपराधों में शामिल रहे हैं। इन अपराधियों पर काफी बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगा हुआ है। वहीं और भी आपराधिक मामलों के खुलासे होने की संभावना है। इस पूरे मामले को लेकर उप पुलिस अधीक्षक ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वह बताया कि इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। वारदातें की आप किस तरह से करते थे? आप रेकी किस तरह से करते? क्या आपका रहता था? कैसे आपने तोड़ दिया चेयर वगैरह? कैसे करते थे? मैंने घर होना तो मंदिर था। अच्छा, एक्चुअली मैं नीचे रहता था गाड़ी में, बाकी मंदिर था। बानी पुलिस ने तीन बड़ी सफलताएं हासिल की हैं कल, जिसके तहत एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लूट और रोबरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार था सोनू नाम का व्यक्ति था। ये मेंदा गांव का रहने वाला है। इसने अपने तीन अन्य साथी मुकेश, मंजीत और अशोक, इन तीनों के साथ मिलकर कई भिवानी जिले की कई रोबरी की जो वारदातें थी उनको अंजाम दिया था। ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये सुनसान एरिया और रात के समय जो आने जाने वाले व्हीकल्स थे उनकी लूट करते थे।